दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट सास के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, ये वीडियो आपने जब क्लिक किया है तो टाइटल थंबनेल देखा होगा स्ट्रे मॉपअप राउंड के बारे में। बच्चों, एक चीज आपको बता दूं, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं सिंसियरली तो आपको कोई और वीडियो स्ट्रे मॉपअप राउंड के ऊपर नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक एक चीज में हम बात करेंगे। होता क्या है स्ट्रे मॉपअप राउंड, क्या होती है इसकी एलिजिबिलिटी, क्या कम नंबर पे भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, कितने कम नंबर पे मिलता है, क्या है प्रोसीजर, सारी जानकारी के बारे में एक एक पॉइंट डिटेल में बात करेंगे बच्चों। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं स्ट्रे मॉपअप राउंड के बारे में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, स्ट्रे मॉपअप राउंड जो होता है आपका, ठीक है, क्या होता है कि पहले हम बात करेंगे कि ये जो होता है ना, फाइनल लेवल का काउंसलिंग होता है। इसके बाद मेडिकल में कोई काउंसलिंग नहीं होती है और ये इंस्टीट्यूट लेवल पे होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल पे मतलब कि जो कॉलेज है वो उसी के लेवल पे ही इसकी काउंसलिंग होती है। उसको पूरी स्वायत्तता दी जाती है कि आप जैसे मन वैसे काउंसलिंग कराइए, जो भी कराइए। तो अब देखिए, बेसिकली हमारे पास किस तरह के इंस्टीट्यूट है। पहले एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है हमारे पास जिनकी ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग होती थी। दूसरे हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड कॉलेज है। तीसरे हमारे पास स्टेट वाले हैं। ठीक है, अब तीनों का अलग अलग है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या होती है, दो राउंड की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और आपको अगर तुरंत अपडेट किसी भी चीज की चाहिए, तुरंत अपडेट कोई भी चीज, नोटिफिकेशन तुरंत, जो वीडियो जो भी अपडेट मेडिकल रिलेटेड आता है, आपके नीट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कुछ भी किसी भी स्टेट की, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाएंगे, वहां पे तुरंत अपडेट हमेशा पोस्ट कर दिया जाता है आधे घंटे के अंदर ही। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या है कि दो राउंड की काउंसलिंग होती है, उसके बाद सारी सीटें जो बचती है उनकी, ऑल इंडिया लेवल की दो काउंसलिंग होती है, वो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफर कर दी जाती है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफर करने का मतलब कि वो अपने इंस्टीट्यूट अलग अलग मॉपअप राउंड कराते हैं। ठीक है, मॉपअप राउंड कराते हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पहला आता है आपका बीएचयू, पहला आता है आपका बीएचयू, तो बीएचयू अपना अलग से मॉपअप राउंड कराएगा। ठीक है, दूसरा आपका एएमयू, ये भी मॉपअप राउंड कराएगा अलग से। ठीक है, तो मॉपअप राउंड जो होती है इनकी बच्चों, ये आपकी फिजिकली होती है, मतलब कॉलेज पे जाके करनी पड़ती है। ठीक है, और उसी समय आपके पास पैसा, फीस, डॉक्यूमेंट दोनों होना चाहिए। नो अंडरटेकिंग विल बी टेकन, अंडरटेकिंग नहीं ली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या होता है फिजिकली, ये आपका फीस जो होगा आपके पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आप फिजिकली वहां प्रेजेंट होने चाहिए। इस वजह से इनका कई बार बीएचयू एएमयू मॉपअप राउंड में इनकी जो भी है कट ऑफ बहुत बार कम हो जाती है। जैसे अगर कट ऑफ 680 गई है मान लीजिए बीएचयू की, तो मोस्ट प्रॉब्ली 610-20 तक भी जा सकती है, 600 तक भी जा सकती है। पिछली बार की मैं चांस आपको बताऊंगा, जैसे 570 नंबर पे बीएचयू मिला था। ठीक है, सॉरी 570 नहीं, 640 या 45 नंबर पे बीएचयू मिला था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट राउंड के कट ऑफ में 598 नंबर का एक हमारा बच्चा था, उसको भी बीएचयू मिल गया। तीन सीटें बच गई थी जो कि ऑल इंडिया से ट्रांसफर होके आई थी। ठीक है बच्चों, तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि इसमें क्या होता है, फिजिकली जब आपको वहां प्रेजेंट होना होगा तो ये बहुत कम चांस है कि लोग वहां प्रेजेंट हो पाएंगे फिजिकली। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि चांस होता है फिजिकली पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है सबके लिए, तो थोड़ा चांस होता है कि कट ऑफ लो हो जाए। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की ये बात करेंगे, पर एम्स में जब हम बात करेंगे तो एम्स में क्योंकि उसकी सारी काउंसलिंग दिल्ली से ही होगी और दिल्ली एक सेंटर है, हब है, बच्चे वहां पे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा कम कट ऑफ जाने की नहीं चांसेस है। हालांकि सीटें बहुत ज्यादा बची है एम्स में, आपको पता है इस बार, जो कि हमने एक वीडियो में बताया था, आप देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, वहां हम आपको चार्ट बना के, सीट बना के पूरा वैकेंट वाइज सीटें बताते हैं। ठीक, अब आ जाइए डीम्ड कॉलेज की, जिनको प्राइवेट में एडमिशन लेना वो सबसे बेहतर चीज है। ठीक है, डीम्ड में क्या होता है बच्चों, हर इंस्टीट्यूट के लेवल पे अलग अलग काउंसलिंग होगी। ठीक है, 27 तारीख को एमसीसी सारे कॉलेजेस को उनको लिस्ट दे देगा कि इतने आपके सीटें नहीं भरी है, इसको आप अपने लेवल पे काउंसलिंग करा के भरिए। अब क्या होगा कि उसमें कम से कम हमारा जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों, 1200 से 1300 सीटें होने वाली है डीम्स में, डीम्ड में। ठीक है, तो 1200-1300 सीटों पे वो खुद काउंसलिंग कराएंगे, उनके पास लिबर्टी होगी चीजों को कराने की, तो वो अपने हेर फेर करेंगे। ठीक है, चीजों को तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें मैनेजमेंट कोटा से सीटें पैसे लेके ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट लेवल पे है। तो डीम्ड कॉलेज में जो भी कॉलेज होगा, उस कॉलेज के कई कॉलेजेस में फेयर नहीं होते हैं, पर मणिपाल वगैरह जो भी टॉप कॉलेज है उनके कॉलेजेस में फेयर होती है चीजें। तो आप एक चीज करेंगे कि आप उनसे उनके कॉलेज की वेबसाइट को, यहाँ पे कॉलेज की वेबसाइट को चेक करते रहेंगे।
वो वहीं पे अपडेट करेंगे। तो 27 को अगर बच्चे सीट आनी है एमसीसी के द्वारा, तो 28 को मोस्ट प्रोबेबली वो कराएंगे और 31 से सारे डॉक्यूमेंट सारा काउंसलिंग वगैरह करा के खत्म करना है। तो स्ट्रे राउंड जो होती है एक दिन का खेल होता है। क्या होता है बच्चों? एक दिन का खेल होता है। क्यों? क्योंकि एक दिन में ही वो चीजें पूरी की पूरी बदल जाती है। एक दिन में नोटिफिकेशन 28 को डालेंगे रात में वो शाम में, और 29-30 को करा लेंगे काउंसलिंग। तो एक दिन दो दिन में जो उसके आसपास होगा वही करा पाएगा। तो डीम्ड कॉलेज में तो कॉलेज मिलना बहुत कम मार्क्स पे, क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी कॉलेज मिलना आसान है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा अगर पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, पर बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की थोड़ा सा उसके बारे में कि कौन कौन बच्चे इलिजिबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो आपकी वो हो रही है BHU, MS, AMU, MBBS, उनमें कौन कौन सी सीटें कौन कौन सी एलिजिबल है। तो देखिए, वो लोग जिनको कहीं सीट नहीं मिला है, नो सीट अलॉटेड, वो इलिजिबल है। दूसरा, वो लोग इलिजिबल नहीं है जिन्होंने किसी में भी किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था। ठीक है, नो रजिस्ट्रेशन, वो इलिजिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जिनको मॉपअप राउंड में कॉलेज मिल चुका है वो भी इसमें इलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। पर स्टेट की अगर हम बात करेंगे बच्चा, कि स्टेट में तो अभी देखिए स्टेट की यूपी की जैसे पता है आपको मॉपअप ही नहीं हुई है। मॉपअप होने के बाद ही मॉपअप में ये सारी सीटें भर देते हैं। ठीक है, फिर भी वो कॉलेज लेवल पे एक दो सीटें जो बच जाती है तो छोड़ देते हैं, और वो मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत में आ जाती है, उस सीटों को ये लोग बेच खाते हैं। क्या करते हैं? बेच खाते हैं। ये काउंसलिंग प्रक्रिया इतनी यहाँ की खराब हो चुकी है एमसीसी के द्वारा नीट की, जो जिसकी वजह से कई सारे होनहार छात्रों का नुकसान होता है, जो कि हर साल होता आ रहा है। पर इसका एक सिस्टम ही इतना बेकार है कि होना ही है। ठीक है बच्चों, तो अगर अब भी कोई डाउट रह गया बच्चों तो आप कमेंट करके बताइएगा। पर मोटा मोटी ये चीज समझिए कि कॉलेज लेवल पे ये होने वाला, कॉलेज लेवल पे होने वाला काउंसलिंग है, जो हर कॉलेज अपना अपना कराती है। ठीक है, इसमें वो अपने वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डालते हैं, जो कि एक दिन पहले डालते हैं काउंसलिंग के एक दिन पहले। ठीक है, काउंसलिंग के एक दिन पहले वो डालते हैं, और उसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा विथ फीस, विथ फुल फीस, फिजिकली विथ फुल फीस और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आप इन सारे चीजों में पहुंच पाते हैं तो आपको तभी मिल पाएगा। ठीक है, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए बच्चों। अगर फिर भी कोई आपका क्वेरी रह गया है तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। पर 27 तारीख आपके लिए 28, 29, 30 ये 4 दिन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा कैलेंडर में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।